बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान मुजाहिद आर्मी फोर्स में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें एजुकेशन की अगर बात की जाए तो प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। हर कैंडिडेट्स अगर इसमें एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा। इसमें दो तरह के ऐड देंगे, और वो किस तरह आपने दो तरह ऐड मुख्तलिफ अप्लाई किया जाएगा, तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, वीडियो को मुकम्मल वाच करना है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें और फिर आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आइंदा से आने वाली तमाम तर तफसीलात और नोटिफिकेशन आप तक बिला तखीर पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल में, और गूगल में आपने सर्च कर लें पाक जाओज बैंक। फ्रेंड्स, आप जैसे भी नेक्स्ट पेज का सर्च करेंगे तो वेबसाइट का लिंक आपको टॉप पर मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो आप इसके डायरेक्टली होम पेज पर पहुंच जाते हैं। होम पेज पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको एक यहां पर रीसेंट जॉब सेक्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आपने टॉप पर देख लेना है मुजाहिद फोर्स जॉब 2021, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज एक और ओपन हो जाएगा, जिस पर तमाम तर तफसीलात और डिस्क्रिप्शन दी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। उसके अलावा वैकेंट पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, सिपाही, क्लर्क, कुक, ड्राइवर, स्टैंडर्ड वर्कर है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन मैंने पहले भी आपको बता दी, फिर भी अगर आप रीड करना चाहें तो प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए रिक्रूटमेंट रखेंगे तफसील के साथ। उसके बाद कुक, क्लर्क है, उसके बाद ड्राइवर, फिर कुक, फिर स्टैंड वर्कर। और ये इसके दो तरह के ऐड है, जिसमें एज लिमिट फ्रेंड्स रखी गई है सिपाही के लिए जो 18 साल से लेकर 23 साल तक, और बीए या बीएससी वालों के लिए 18 साल से 24 साल तक एक साल की रियायत भी रखी गई है। और हाइट जो रखी गई है फ्रेंड 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शुदा लवकिन के लिए जो है 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए, उनके लिए ये रियायत दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कुक के लिए 18 से 26 साल है, और उसके बाद स्टैंड वर्कर के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड वर्कर और कुक के लिए जो है अप्लाई का तरीकाकार यहाँ पर अलहदा से सेंटर के बारे में बताया गया है, और उसके अलावा इनकी फ़ोन नंबर भी देंगे, इनके फ़ोन नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर सिपाही के लिए जो वैकेंसीज के अनाउंसमेंट की गई, यहाँ पर इनके अजला के बताए गए, जहाँ पर आपने जाना होगा ये बताए गए फ्रेंड्स अजला, जिस पे आपने विजिट करना है अप्लाई करने के लिए। और उसके अलावा ये इसका असर ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट, जिसमें क्लर्क के लिए FAFSC वाले अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अप्लाई किया जा सकता है एजुकेशन वाले। उसके बाद ड्राइवर है फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर नीचे एड्रेस दिए गए फ्रेंड्स, आपने इस एड्रेस पर अपने तमाम दरख्वास्त अपनी और साथ जो डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो लगा के इस पते पर आपने सेंड कर देने हैं। उसके अलावा इनके फ़ोन नंबर भी देंगे, आप मज़ीद अगर तफसीलात देना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आपका हम पर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स आपके लिए देगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है 30 जून 2021, इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। फ्रेंड्स, सदकर समझ के इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, किसी भाई को समझ नहीं आता, किसी भाई को नहीं पता होता, तो फ्रेंड्स आपके शेयर करने से शायद उसको पता चल जाए, तो आपने वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।